हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके आया हूँ फॉसिल रिम वाइल्ड लाइफ सेंटर। ये ग्लेन रोज टेक्सास में है, डैलस डाउनटाउन से 90 माइल्स दूर है लगभग। और ये एक तरीके का कंजर्वेशन सेंटर है एनिमल्स के लिए, जहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज को इन्होंने कंजर्व किया हुआ है कंट्रोल्ड फर्टिलाइजेशन के थ्रू और सेलेक्टिव फर्टिलाइजेशन के थ्रू। और ये एक तरीके का जू ही है। इसके जो ओनर थे मिस्टर टॉम, वो एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने 1973 में इस पार्क को ख़रीदा और 1984 में उन्होंने इस पार्क को आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए खोला। तब से यहाँ पे लोग आते हैं और घूमते हैं। ये ज़ू की तरह ही है, लेकिन ज़ू से थोड़ा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि ये ड्राइव थ्रू यहाँ पे ये पूरा टूर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं अपनी गाड़ी में बैठकर, और जो सेंटर की गाड़ियाँ हैं वो भी टूर कराती हैं, तो आप गाड़ी में बैठकर जा सकते हैं और जानवरों को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये टूर आपको अच्छा लगेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कुछ अच्छे और बेहतरीन शॉट्स लूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। एंट्री के लिए हमें लाइन में लगना पड़ा है। टिकट हमने ऑनलाइन खरीदे थे तो अभी हमारे पास है। आप देख सकते हैं ये लाइन लगी हुई है, सारे लोग अंदर जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और हम भी लाइन में लगे हुए हैं। सो नाउ वी आर एंटरिंग इन फॉसिल रिम पार्क। हेलो हॉर्न ऑरिक्स, हाउ आर यू मैन? आई थिंक ही इज नॉट अ मैन। सी, आप ये देखिए, ये करतब दिखा रहा है। क्या ये हमें हमारी गाड़ी पे हमला करने की तैयारी तो नहीं कर रहा है? मैं इसके भाग करीब आता हूँ। Hi, how are you, dear? Are you okay? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये रॉड एंटीलॉप और ये मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। मैं थोड़ा सा भयभीत हो रहा हूँ, ये बहुत पास आ रहा है। शायद ये कैमरा फ्रेंडली है, क्या इसको हम खाना दे सकते हैं? मेरे ख्याल से मैं ट्राई कर सकता हूँ। हेलो दोस्त, वुड यू लाइक टू हैव सम फूड? आई हैव समथिंग फॉर यू। वुड यू लाइक टू हैव? ही इज नॉट इंटरेस्टेड गाइस। वो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है इस खाने में। मैं इसको फेंक के देता हूँ, शायद ये खा ले। और ये खा रहा है, उसको पसंद आ रहा है। वाओ, शुक्रिया मेरे दोस्त, खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाउ आर यू ब्लैक बक, आर यू डूइंग ओके? एवरीथिंग ऑल राइट? कोविड के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप मिस्टर ब्लैक बक? आपका क्या लगता है? मैं आपके लिए थोड़ा सा फूड लाया हूँ खरीद के। मुझे लगता है आपको इसे इंजॉय करना चाहिए, लेकिन आप घास चरने में व्यस्त हैं तो आप ये आर्टिफिशियल फूड नहीं खाना चाहेंगे। Mr. Blackbuck, are you doing all right? Everything okay? Common water bug. Hello, sir. आप कुछ खाना चाहेंगे? कुछ खाने के लिए है हमारे पास, लेकिन आप आएंगे नहीं, मुझे पता है आप नाराज हैं मुझसे। प्लीज ये नाराज ही। ओह शर्मा के आप भाग क्यों रहे हैं? वाओ, ये काफी शर्मीले प्रवृत्ति का जीव है। मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, यहाँ की जो एंट्रेंस है उसका सेल्फ गाइडेड टूर का $25 है किराया। एक आदमी का $25 है यहाँ का जो टिकट है दाखिल होने का, और अपनी गाड़ी भी उसमें लाएंगे, वो भी इंक्लूडेड है उसका, गाड़ी का एंट्रेंस भी। हेलो एमू, तो एमूओं का जोड़ा, मैं इनको अपना खाना भेजता हूँ। ये खाना इन्होंने बिल्कुल ख़रीदा गया है, हो सकता है कि ये खाने के लिए ओ ये आ रहा है। एमू आप आ रहे हैं, शुक्रिया एमू। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इतने पास से गुजरने के लिए। हेलो एमू, काटना मत, ये कैमरा है मेरी भाई, तुम तो मुझे डरा रहे हो। ये बिल्कुल पास आ गया था, यकीन नहीं होता, ये एकदम पास है, मेरे एकदम करीब है। सही बताओ तो मैं थोड़ा सा डर भी रहा हूँ, कहीं ये चोच ना मार दे मुझे और मेरी बकवास का बदला ले ले। सॉरी डार्लिंग, बहुत पास आ गया था, मैं तो बहुत डर गया। ओह माय गॉड, मैं ऐसे खतरों से कैसे खेल रहा हूँ। पर ये बहुत अच्छा ट्रिप है अभी तक का, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे जानवर इतना पास से मैंने पहले नहीं देखे। चिड़ियाघर के अंदर भी होते तो वो केज के अंदर होते हैं, वो बंद होते हैं, यहाँ आज़ाद हैं, ये कहने को तो आज़ाद ही हैं और घूम फिर रहे हैं। इस हिरन का नाम है एडेक्स। एडेक्स जो है वो बहुत ही शर्मीला जानवर होता है। हाय एडेक्स, हाउ आर यू डूइंग ऑलराइट? ये देखिए आप कितना पास है मेरे।
आप देख सकते हैं एडेक्स और हम दोनों दोस्त हैं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। बाय एडेक्स, फिर मिलते हैं मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखना। 766 एडेक्स। मैं देखता हूँ कि ये जो है क्या मुझे रास्ता बता पाएगा, देखता हूँ। भाई साहब एडेक्स, आप ये बताइए कि यहाँ से जो है शुक्लागंज इधर पड़ेगा, आप जानते हैं? आप नाराज क्यों हैं? आप इतने गुस्से में क्यों खड़े हैं? कुछ नहीं कहना चाहते हैं भाई, ये बेरुखी क्यों है आखिर? ये बताइए ये शुक्लागंज किधर पड़ेगा भाई साहब? कोई बोल ही नहीं रहा है। एक्सिस डियर, इसका नाम एक्सिस डियर, ये हमारी तरफ देख तो रहा है, बहुत सुंदर है। लगातार हम तो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन बताइए तो बहुत ही ज्यादा अचंभित करने वाला है, बहुत ही ज्यादा सुंदर ये जी। इस सामने काफी सारे ज़ेब्रा हैं, अपना खाना वाना खा रहे हैं, और ये हमारी तरफ बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है और ये बढ़ रहा है। क्या ये आक्रामक है? सही बताऊं तो मैं डर रहा हूँ, ये बहुत करीब आ गया है। ये शांत है, ये काफ़ी शांत है, कुछ सोच रहा है कि साले मेरे नाम पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग सब जगह बना रखी है और मैं तो वहाँ से कभी निकलता भी नहीं हूँ। इसी नाराज़गी के साथ ये खड़ा है, शायद सोच रहा होगा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे तुम हमेशा निकलते रहते हो, आज मैं तुमको पकड़ लिया। Yeah, Mr. Audit. Mr. Audit. Are you doing all right? Mr. Audit. Would you mind to see us? Mr. Audit, please come. Please come. Mr. Audit. कैसा लग रहा है आपको? आप ठीक हैं? सब ठीक चल रहा है? ये पूरा जो है भाई साहब खड़े हैं दोनों ऑडेक्स, अभी ये इस गाड़ी वाले को बता रहे हैं पता कि देखो ऐसा है चचा, तुम पहले से रहते हो यहाँ, तुम दो बता, हम जो है बता नहीं पाएंगे, अब हमको भी बताएंगे ये पता। अब इनसे पूछते हैं कि क्या ये शुक्लागंज जानते हैं कहाँ पड़ता है। तो देखते हैं। अरे भैया सुनो, अरे भाई साहब ऑडेक्स नमस्कार, तो ये बताइए आप ये शुक्लागंज कहाँ पड़ता है, क्या बता सकते हैं? नहीं बताएंगे, नाक मत फुलाइए, ये कैमरा है और ये है आपके लिए खाना, तो मैं खाना दूर भेजता हूँ, आप खाना खा के आइए। अब तो आइए वापस। अरे अब बताइए तो पता क्या है? कोई नहीं बता रहा है। अब हम एंटर कर रहे हैं चीता कंजर्वेसी में, फॉसिल रिम में, और ये बहुत ही खतरनाक जगह लग रही है मुझे। वो देखिए आप, वो सामने टहल रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि ये पैलेट्स खाने आएगा। जो खाना हमारे पास है वो शाकाहारी जानवरों के लिए है। आप देख सकते हैं ये बहुत खतरनाक रास्ता है जिसपे से हम निकल रहे हैं, इधर पूरा खाई है और ये आप रास्ता देखिए, बहुत ही खतरनाक रास्ता है, इतने खतरनाक और जोखिम भरे रास्तों पे गाड़ी चलाना अपने आप में ही बहुत ही रोमांचित करने वाला है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप यहाँ होते तो आप इस रोमांचित ड्राइव का बहुत ही ज्यादा आनंद उठाते। ये देखिए ऑस्ट्रिच हमारी तरफ बढ़ता चला रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि ये खाने में दिलचस्पी रखेगा और ये हमारे करीब जरूर आएगा। हेलो मिस्टर ओमू, इसने फ्रेंडशिप बैंड भी पहना हुआ है, ये मेरे बहुत करीब आ गया है। Oh my God, oh my... No, I don't have any... Parvun! No.
ये तो पूरा एक्साइटेड था, इसने तो मुझ पे आक्रमण कर दिया। वो पीछे चला गया है दूसरे लोगों के साथ में। वो ये बहुत बड़ा है भाई गार्ड। ओ माय गॉड, बहुत करीब आ गया था, मैं तो बहुत डर गया। अब देखिए, ये है कॉमन वाइल्ड बीस्ट, कॉमन वाइल्ड बीस्ट। सभी लोग कैमरे को देखकर इस तरह से ज्यादा आकर्षित होते हैं या इस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, ये बात समझना बहुत मुश्किल है। फिलहाल मैं थोड़ा खाना फेंक रहा हूँ कॉमन वाइल्ड बीस्ट के लिए। हेलो मिस्टर कॉमन वाइल्ड बीस्ट। ओह माय गॉड, ये बहुत, ये छोटा है अभी, ये एक तरह से किशोरावस्था में है अपने जीवन की। हम ऑलमोस्ट बाहर पहुंच रहे हैं जहाँ से मैं शुरू किया था, जहाँ से इस वाइल्ड लाइफ सेंटर का शुरुआत हो रहा है, वहीं पहुँच गए। और ये देख सकते हैं फीड कप जो हमें खाना दिया था इन्होंने, ये कप हमें यहीं छोड़ना है। सो अब हमको इसमें डाल देना है और ये इसमें हमने डाल दिया है। थैंक यू। बहुत अच्छा था अभी तक का ये ट्रिप, बहुत मज़ा आया। हमने बहुत पास से जानवरों को देखा है और जानवरों ने हमको भी देखा है पास से। तो बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल पीकेएस प्यारी जिंदगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।